नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हो रही हूँ। सबसे पहले बात बिलासपुर में चाकूबाजी की वारदात हुई। एक युवक को तीन युवकों ने मारा चाकू और इबरव्यू इलाके में दिया वारदात को अंजाम। घायल युवक को सिम्स में भर्ती किया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर एक युवक को तीन युवकों ने मारा चाकू, रिवरव्यू इलाके में दिया वारदात को अंजाम, घायल युवक को सिम्स में भर्ती किया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। आप ये देखिए तस्वीरें, जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया, एक युवक को तीन लोगों ने चाकू मारा और वहां से फरार हो गए। आसपास लोग भी निकल रहे हैं। दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया और मारकर फरार हुए लोग तीन बदमाश, जिन्होंने एक युवक पर चाकू से हमला किया और दिन दहाड़े ये पूरा घटनाक्रम हुआ। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। तो बिलासपुर के रिवरव्यू इलाके का ये पूरा मामला, जब दिन दहाड़े खुलेआम चाकूबाजी हुई, तीन युवकों ने एक युवक को धारदार हथियार से हमला किया। ये हमला क्यों किया गया, कारण क्या है, क्या कुछ विवाद था, पुरानी रंजिश थी, ये पूरा मामला भी फिलहाल स्पष्ट नहीं है और पूरे मामले की जांच हो रही है। तो हमले के बाद जो युवक है वो यहां से भाग निकले और आसपास लोग भी निकल रहे हैं। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हो रहा था, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, दिन दहाड़े वारदात हुई, चाकू से हमला किया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी उमेश? देखिए, पूरी घटना जो है वो कोतवाली थाना क्षेत्र के गोड़पारा चौपाटी की है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तीन युवक जो है वो एक बाइक पे सवार होकर पहुंचते हैं और जो चौपाटी के पास जो राहुल यादव खड़ा है, जो गंभीर रूप से भी घायल है, उसे वहां पर पहुंचते हैं, उससे बातचीत करते हैं। इसके साथ ही जो उससे बातचीत कर रहा व्यक्ति है पीछे से अपने रखे चाकू को निकालता है और उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देता है, जिसके बाद जो लहूलुहान होकर जो राहुल है वहीं गिर जाता है। उसके बाद उसको तत्काल सिम्स में एडमिट कराया गया है। फिलहाल ये पूरी जो घटना है सीसीटीवी पर कैद हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली पुलिस जो है वो मोनू, शंकर और गौरव, ये तीनों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है ये जो है आदतन अपराधी है और इस तरीके की घटना पहले भी इन्होंने अंजाम दे दिया है। नशेड़ी किस्म के हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इनको कब तक गिरफ्तार करती है, लेकिन एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया। दिन दहाड़े चाकूबाजी की घटना से कहीं ना कहीं जो इलाका है, जो बिलासपुर है, वो पूरी तरीके से सहम गया है। कुछ दिनों पहले भी इसी तरीके से चाकूबाजी की घटना हुआ है, कुछ दिनों तक अंकुश लगा, एक बार फिर से इसी तरह की घटना निकल कर सामने आई। डर का माहौल तो होगा ही। बहुत शुक्रिया आपका उमेश, तमाम जानकारी के लिए। मामले की जाँच की जा रही है, आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। और अब बात करेंगे कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ की खबर। पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा, नक्सलियों के हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा और इस दौरान बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। खबर कांकेर से है, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद किया है। नक्सलियों के हथियार फैक्ट्री पर छापा पड़ा और इस दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ भी हुई और बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं उन्हें जब्त कर लिया गया है। तो पुलिस ने बरामद किया हथियारों का जखीरा और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, फैक्ट्री पर छापा मारा जहां पर नक्सली हथियार रखते हैं और जहां पर पूरे हथियार सप्लाई किए जाते हैं जहां से नक्सलियों को। और खेम नारायण शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। खेम नारायण, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया, कैसे पूरी कार्रवाई हुई?
जी देखिए, आज जो है कांकेर और नारायणपुर बॉर्डर के जंगलों में जिस प्रकार से सर्चिंग पार्टी को सूचना मिली थी, तो सर्चिंग पार्टी उस जंगल की ओर रवाना हुई थी, और जब जंगल की ओर रवाना हुई तो वहां पर जो है नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ के बाद जो है पुलिस को वहां से एक बड़े मात्रा में जो है हथियारों का जो है जखीरा वहां से बरामद हुआ है, और अभी भी सर्चिंग पार्टी जो है जंगलों में सर्चिंग अभियान को बनाए रखी हुई है, और भी जो किसी प्रकार से नक्सलियों के कुछ जगहों को ढूंढने का प्रयास जो है जवानों के द्वारा किया जा रहा है, और इस मामले को लेकर जो है कुछ देर में पुलिस भी जो है और भी खुलासा करेगी। जी शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो और भी कुछ खुलासे होना बाकी हैं, पुलिस ने हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया है, और जैसा कि खेम नारायण बता रहे हैं पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। और अब खबर दुर्ग से, जहां नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। 1,60,00,000 के नशे का सामान बरामद किया गया, नशीली टैबलेट और सिरप बरामद हुआ है। मुख्य आरोपी बूंदी से गिरफ्तार किया गया। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सप्लाई की तैयारी, और जब कार्रवाई की गई नशे के खिलाफ तो बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। 1,60,00,000 के नशे का सामान बरामद हुआ, नशीली टैबलेट और सिरप बरामद हुआ। मुख्य आरोपी बूंदी से गिरफ्तार किया गया। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में थी सप्लाई, और अब नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं और सिरप बरामद हुआ है। संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई, पूरी जानकारी दें। निश्चित रूप से पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जो न सिर्फ दुर्ग जिला बल्कि संपूर्ण प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में इसको माना जा रहा है, क्योंकि ये जो एक पूरे गिरोह का इसमें पर्दाफाश हुआ है, जिसका मुख्य आरोपी है जो अंकुश पालीवाल, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1,44,00,000 रुपए की जो है इसमें सीरप है, टैबलेट है, इन सभी को जब्त किया गया है। काफी सुनिश्चित तरीके से इस पूरे जो कारोबार था, काला कारोबार, उसको संचालित किया जा रहा था। पहले दुर्ग पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें जो फर्जी कंपनी बनाकर उसके जगह जगह सप्लाई कर रहे थे, पहले दुर्ग पुलिस से उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें वैभव खंडेलवाल और आकांक्षा खंडेलवाल दो आरोपी थे। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई, और तब उसके बाद में ये मालूम चला कि इनकी जो तार है काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं, जिसमें मुख्य जो रूप से ये नजर आया कि राजस्थान से इसकी पूरी सप्लाई हो रही है, जिसका मुख्य जो है वो अंकुश पाली वाले कंपनी के माध्यम से वो सप्लाई करता है, जिसकी न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी सप्लाई होती है। पुलिस ने पूरी टीम एक गठित की, और टीम ने वहां पर जाकर दबिश दी, और आरोपी सहित ये जो जितनी भी सीरप है और टैबलेट है 1,60,00,000 रुपए की, वो जब्त की गई है। पुलिस और भी इस मामले में पूछताछ कर रही है, बहुत सारी जानकारी एकत्रित की जा रही है, हो सकता है इसमें और भी कई बड़े खुलासे हों। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। और भी कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद, और आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी सप्लाई होती थी। पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। और अब बात रायपुर में, स्कूली बच्चों से मारपीट का मामला सामने आया। बाहरी तत्वों ने छात्रों से मारपीट की है। मदर्स प्राइड स्कूल के छात्रों को पीटा गया, सुंदरनगर के दशहरा मैदान में पीटा गया। छात्रों से मारपीट का वीडियो सामने आया है, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां स्कूल के बच्चों से मारपीट का मामला सामने आया। रायपुर में स्कूली बच्चों से मारपीट, बाहरी तत्वों ने छात्रों से मारपीट की। मदर्स प्राइड स्कूल के ये सभी छात्र बताए जा रहे हैं जिन्हें पीटा गया है। सुंदरनगर के दशहरा मैदान में घटना हुई, छात्रों से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां मदर्स प्राइड स्कूल के छात्रों को पीटा गया, बाहरी लोगों ने छात्रों से मारपीट की है। मदर्स प्राइड स्कूल के सभी छात्र जिन्हें पीटा गया है। और बात बिलासपुर की, बिलासपुर में मंदिर में चौथी बार चोरी की वारदात हुई है। लखनी देवी मंदिर में चोरों ने तोड़ा ताला, और तीन चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां मंदिर में चौथी बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लखनी देवी मंदिर में चोरों ने तोड़ा ताला, तीन चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में ये वारदात कैद हुई है, मामले की जांच में पुलिस जुट गई।
तो वहीं बिलासपुर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, धान से लदा ट्रक तालाब किनारे पलटा। लोगों ने धान पर हाथ साफ किया। नशे में बताया जा रहा था ट्रक ड्राइवर, जिसने ट्रक पलटा दिया। अब ये ट्रक कैसे पलटा, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन जब ट्रक पलटा अनियंत्रित होकर, तो इसमें धान जो भरा हुआ था वो भी गिर गया। आसपास जितने भी लोगों को इसकी जानकारी मिली, सभी धान लेकर भागते नजर आए। धान से लदा ट्रक पलट गया तालाब किनारे और लोगों ने धान पर हाथ साफ कर लिया। नशे में ट्रक ड्राइवर बताया जा रहा है। और ट्रक पलटने की घटनाएं लगातार सामने आती हैं और ऐसे ही कुछ मामला बिलासपुर से सामने आया है।